गाइस, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और उसका आधार कार्ड नंबर आपने कहीं नोट नहीं किया है या आप भूल गए हैं, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आज हम आपको आधार कार्ड नंबर ऑनलाइन खोजने की ट्रिक बता रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बने रहिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आधार कार्ड वैसे तो देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड पे एक यूनिक कोड होता है जिसकी मदद से हम अपने आधार कार्ड को कहीं भी लिंक करा सकते हैं। इस आधार कार्ड नंबर को यूआईडी नंबर भी कहते हैं। भले ही आपके पास अपने आधार कार्ड की कोई डॉक्यूमेंट कॉपी या फिजिकल कॉपी हो या ना हो, मगर आधार कार्ड का नंबर अगर आपके पास है तो आपका आधार कार्ड नंबर ही सब जगह लिंक होता है। इसलिए आप आधार कार्ड नंबर को कहीं ना कहीं नोट करके रखें या फिर अपने मोबाइल नंबर ही में ही सेव रखें, जिससे कि अगर आपका आधार कार्ड कभी खो भी जाता है तो उस कंडीशन में आप आधार कार्ड की आईडी से अपने नए आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी अपने आधार कार्ड का नंबर नोट नहीं किया है तो उसमें चिंता लेने की बात नहीं है। इसका भी एक तरीका है, बस आपके पास आपके रजिस्टर आधार कार्ड नंबर का मोबाइल नंबर होना चाहिए। गाइज, यहाँ हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वैसे मैं आपको बता दूं, मोबाइल वाले यूजर्स जो हैं वो भी आराम से अपने मोबाइल पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे सकता हूं। तो यहां पर सर्च करते हैं resident.uidai.government.in। UIDAI की वेबसाइट यानी कि आधार कार्ड की वेबसाइट यहां आ गई है। इसको सिलेक्ट करेंगे, माईधार सेक्शन में जाएंगे। माईधार सेक्शन में आपको रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगॉटन ईआईडी यूआईडी यानी कि आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको नए पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप यूआईडी के जरिए आप अपने आधार कार्ड का नंबर ले सकते हैं, या फिर आपको एनरोलमेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो यूआईडी तो शायद किसी के पास हो या ना हो, मगर एनरोलमेंट आईडी आराम से मिल जाती है। एनरोलमेंट आईडी आपको अगर आपने आधार कार्ड कभी पूरा निकलवाया हो तो उस पे भी एनरोलमेंट आईडी होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। एनरोलमेंट आईडी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पूरा नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, इसी से आप अपने आधार कार्ड का यूनिक आईडी ले सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास एनरोलमेंट आईडी है तो मैं एनरोलमेंट आईडी पे क्लिक करूंगा और अपना नाम डालूंगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, फिर मैं यहाँ कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डालूंगा और यहां से सेंड ओटीपी कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और उस मैसेज में आपको आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर मिल जाएगा। इस एनरोलमेंट आईडी से आप अपने आधार कार्ड को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी पास के कैफे में जाकर अपने आधार कार्ड को दोबारा से डाउनलोड करवा लें। अगर आपको आधार कार्ड कैफे में डाउनलोड करना है तो आप कैफे में करा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड ई आधार कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपनी एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे फिल करके आप यहां से भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, हम बताते हैं आपको यहां से कैसे आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डाउनलोड ई आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको नए पेज पे भेज देगा और आप यहां पे अपना एनरोलमेंट आईडी यानी कि आधार कार्ड नंबर तो आपके पास है नहीं और ना ही आपके पास फी आईडी है, यानी कि आपको आपकी एनरोलमेंट आईडी आपके मोबाइल नंबर पर आ चुकी है, तो आप एनरोलमेंट आईडी यहां सिलेक्ट करेंगे। जब यहां पे आप एनरोलमेंट आईडी सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपको एनरोलमेंट आईडी यहां पे फिल करनी होगी जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू आ गई है। तो आप यहां पे अपनी एनरोलमेंट आईडी फिल करेंगे, फिर यहां पे आप अपना एनरोलमेंट आईडी का डेट और टाइम सिलेक्ट करेंगे, टाइम और डेट आपको बिल्कुल सही डालनी है, यानी कि आपको ये नहीं देखना कि इसमें सेकंड में फर्क है या फिर मिनट में फर्क है, जो उसमें एक्चुअल दिया गया है वही टाइम आपको डालना है जब भी आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे आई वांट मास्क आधार कार्ड पे टिक करना है, फिर सेंड ओटीपी कर देना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। जब आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप सर्वे पे नो क्लिक कर दें और यहाँ पे नो ऑर्डर पे क्लिक कर दें और वेरीफाई एंड डाउनलोड कर दें। तो यहाँ आप देखेंगे आपका आधार कार्ड आपको डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड आ गया है और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे ये आपका जो भी आधार कार्ड का पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल दें। आधार कार्ड का पासवर्ड, जैसे आपका सरनेम होता है तो सरनेम के लास्ट डिजिट होते हैं, और आपका जब आधार कार्ड क्रिएट हुआ है यानी कि रजिस्टर्ड हुआ है उस टाइम का जो है सन होता है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे।